दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर खुशखबरी, ई श्रम कार्ड है तो मिलेंगे पांच बड़ी योजनाओं का लाभ। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपने भी ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तब आपको मोदी सरकार की तरफ से पांच बड़ी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे किन किन लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको कहाँ पर आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, तो देंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। सबसे पहले आप कमेंट में बताओ कि आपने ई श्रम कार्ड बनवाया है या नहीं, और आप इस वीडियो को कौन से ज़िले से देख रहे हो ताकि हम आपकी ज़िले की जानकारी दे सकें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी योजना का लाभ है और कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तब आपको सरकार की तरफ से 1,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही में आपको मोदी सरकार की इस योजना से ई श्रम कार्ड धारकों को भविष्य में फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा और फ्री राशन भी मिलेगा, और मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे जो कि सीधे आपके बैंक खाते में मिलेंगे। जी हाँ, अगर आपने भी ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तब आपको सरकार की तरफ से मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आपका कच्चा मकान है तब आपको ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से मकान भी मिलेगा, और भविष्य में आपको फ्री साइकिल भी दी जाएगी अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है। आपको बता दें सरकार ने इसलिए ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया है ताकि सभी गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। अगर आपने भी ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तब आप ई श्रम कार्ड को बनवा लीजिए, आपको सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बताओ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।